नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कमरीद के महिला सरपंच सुश्री पुनीता प्रजापति का बीते दिनों अनोखा कारनामा सामने आया है। विकास कार्यों के नाम पर कथित फर्जी तरीके से लाखों रुपए का आहरण कर बंदरबांट कर ली गई। यह पूरा मामला जांजगीर जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरीद का है, जहां कमरीद के महिला सरपंच सुश्री पुनीता प्रजापति के गांव में विकास कार्य करने के लिए लाखों रुपए कथित फर्जी तरीके से गबन करने का आरोप लगा है। चाहे वो गांव में सीसी रोड हो या सामुदायिक भवन या फिर गोठान हो, चाहे लाइट की बात, इस तरह के मामले में शिकायत होने के बाद जब जांच में अधिकारी पहुंचे तो उन्हें भी सरपंच गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। मामले की जांच में पहुंचे संबंधित अधिकारी और एसडीओ ने मीडिया की टीम से बात की और उन्होंने बताया कि उप सरपंच घासी राम चौहान द्वारा जितने भी बिंदुओं में शिकायत हुई है, हमने मौके पर जांच की, जिसमें सभी शिकायत सही पाए गए और जल्द ही उच्च अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कमरीज के महिला सरपंच सुश्री पुनीता प्रजापति पूर्व में कांग्रेस के सरकार में माटी कला बोर्ड के सदस्य के तौर पर एक बड़े ओहदे पर थे, पर अब राज्य में भाजपा सरकार आने से उनका पद खत्म हो गया और सिर्फ एक गांव के सरपंच पद पर ही रह गए। अब जो अपने पूर्व में किए कारनामों को छुपाने के लिए और कार्रवाई से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी से दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए हैं, अब देखना यह होगा कि ईमानदारी का दम भरने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपी सरपंच पुनीता प्रजापति के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, या जनता हितैषी कही जाने वाली बीजेपी की सरकार ऐसे कथित भ्रष्टाचार के आरोपी सरपंच को संरक्षण देगी, ये देखने वाली बात है। क्या समस्या है? यही गली मरम्मत तो नहीं होते हम उनके भाई। का कते दिन हो गए? अब 10 साल हो गए। चावल लेना है, हमन देवर घटा जाथन, इहो नहीं मिले हमन ला चावल, पैदल जाथन, बहुत समस्या हुआ थी। सरपंच तो बोले समस्या में का कहे? सरपंच तो बोलत बोलत हमन के मुख ही आ गए है। और जैसे के महिला समूह हन गांव में 25-26 समूह है, और संगठन भी यहाँ बैठक जुड़ते, तो हम मन लेना बैठे के कोई जगह नहीं मिला थी। कहूँ रुक तारी बैठन तो कोनो स्कूल के चाबी मांगथन। हाँ, नाम बन्नू है। कौन कहाँ के रहे? ग्राम कमरीत। क्या समस्या आपके कमरीत में बताओ? हमारे गांव का विकास पूरा तरह से ठप है, कोई विकास अभी तक हमारे सरपंच के द्वारा से नहीं हुआ है। रोड का हालत यहाँ दिख रहा है सामने में। कितना दिन होगा ऐसी हालत है सड़क? ऐसी हालत जब से सरपंच है तभी से है ऐसी हालत। मामले में क्या सरपंच को अवगत कराया कैसे रोड की स्थिति जूझना पड़ रहा है? करवाना चाहिए। आपने करवाया क्या, शिकायत किया थी? नहीं, हमने नहीं करवाया। कई बार बोला गया है, कई बार उसको पंच सरपंच के द्वारा पंच लोगों के द्वारा बोला गया है। आप अभी जहां पर गड़े हो, जिस गली में रहते हो, यहां पर 10 लाख रुपए आहरण हो गए सीसी रोड के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसको? 10 लाख रुपया का हमें तो मालूम नहीं है। फर्जीवाड़ा तरह से निकाल दिया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। होनी चाहिए ना? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन गाँव का रहने वाला? गाँव का नाम क्या है? अभी कौन सा मोहल्ला मरी था? डेरा। यहाँ पर भवन बन रही, मतलब भवन दिखा था क्या? बने हमें क्या भवन बने? नहीं बने है ना? आसपास में कोई भवन है? नहीं बने है। मेरा नाम घासीराम चौहान है, मैं ग्राम पंचायत कमरीद का उप सरपंच हूँ। पिछले 4-4.5 साल से हमारे गांव में जो शासन के द्वारा राशि जारी हुआ है निर्माण काम के लिए, उसमें बहुत सारे अनियमितता है, गबन किया गया है। इनकी शिकायत मैं 5 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट में किया था और उसकी जांच के लिए 18 तारीख को ग्राम पंचायत में अधिकारी द्वारा की गई। उसमें पाया गया है कि जिस जगह पर भवन बनाया जाना था 5 लाख का सामुदायिक भवन, उस जगह पर भवन बना ही नहीं गया है और दूसरा राशि निकाला गया है। तो जांच का विषय इस बात की भी है कि एक आदिवासी मोहल्ला है, उनका सामुदायिक भवन आया था और उस जगह पर बनाया नहीं, दूसरा किस्त लेकर गबन कर लिया सरपंच पुनीता प्रजापति के द्वारा। तो इसका मैं जांच भी मांग करता हूं और मीडिया के माध्यम से वो उजागर भी करना चाहता हूं। अधिकारी और कर्मचारी जांच का विषय ये भी है कि वहां इंजीनियर लेआउट किया, दूसरा किस्त जारी करने के बाद किस भवन को देखकर दूसरा किस्त जारी किया, ये जांच का विषय है।
वर्तमान सचिव के द्वारा 15 दिन में घोर सारी नियुक्ति पाई गई है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत में 90,000 का डस्टबिन जिला 15 के राशि जारी हुआ था उसमें उनके द्वारा नहीं बांटा गया है। गौठान की मरम्मत के लिए लाखों कई बार पैसा निकाला, 8-9 बार पैसा निकाला गया है, जिसमें लगभग 7-8 लाख रुपये की राशि निकाली गई है। और गौठान मरम्मत के नाम से पूरा अभी जीर्ण जीर्ण स्थिति में गौठान है। इसी प्रकार हमारे गांव का एक दौ साहब तालाब है, वहां समतलीकरण के नाम से पैसा निकाला गया है। पचरी मरम्मत, जहां नवंबर के समय पानी भरा रहता है उस समय पचरी मरम्मत के नाम से पैसा निकाला गया है। हमारे गांव में 15 साल से लाइट नहीं लगा है, घोर अंधेरा में रहता है, अगल बगल के गाँव में लाइट लगा रहता है। लाइट विद्युतीकरण और प्रकाश व्यवस्था के नाम से दुर्घटा ग्राम पंचायत कमरी दुर्घटा और डेरा में खंभे में लाइट लगाने की बात कही गई है। तो इन सभी बातों से लगता है कि हमारे गांव में शासन के द्वारा लाखों रुपया का जो दिया जाता है उनके द्वारा सरपंच और सचिव के द्वारा अपने निजी कार्यों में लगाकर इनको दोहन किया गया है, इनको गबन किया गया है और इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर अगर हम भूख हड़ताल भी करेंगे और इसका जीवित तरीके से काम करेंगे। क्या नाम है आपका? नरसिंह गौड़ से कहता हूँ। जगह क्या नाम है? जगह कमरित डेरा। यहाँ पर जहाँ पर अभी आप हैं वहाँ पर भवन बनना था, किनके घर के पास बनना था भवन, क्या बना है? क्या नहीं बना है सर, ये सुनील का घर है बगल वाला और सामने मेरा घर है। अच्छा, नहीं बना है यहाँ भवन बना है किसी प्रकार से? नहीं बना है। जमीन है या निजी जमीन है? सरकारी जमीन है सर। सब सरकारी जमीन है? अब तक नहीं बना है? नहीं बना है। होनी चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए सर। बिल्कुल होनी चाहिए। मो नाम जगत राम गौड़, हमारे कमरित में ग्राम पंचायत कमरित डेरा लिखा थे हर, हमारे यहाँ भवन आ रही से भवनों नहीं बने, दो किस्त निकाल के पैसे भी खा रहे और मुरुम सुरुम डालिया के वो पैसा निकाल के खा रहे, अनेक प्रकार के पैसा खा रहे लेकिन गांव में विकास नहीं हुए। मोहल्ला का नाम क्या है? आदिवासी मोहल्ला। यहीं पर स्ट्रीट लाइट भी लगना था, लगे हैं? नहीं लगे है। अब वो हर सरपंच निकाल खा हुई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरपंच से? करना चाहिए